भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भक्ति बुढ़ापे का विषय है, वो मूर्ख हैं। जब अपना ही शरीर काम करना बंद कर दे तो ऐसे में भगवत प्राप्ति संभव है क्या? वास्तव में भगवत प्राप्ति या तो जवानी में हो सकती है या तो लड़कपन में हो सकती है, क्योंकि जैसा संस्कार और आदत बचपन में पड़ेगी वही जवानी में रहेगी, और इन दोनों में जीवन जैसा ढल जाएगा वैसा ही बुढ़ापा भी बीतेगा। इसलिए ये जो भारत के लोगों की सोच है ना कि चलो छोड़ो अभी तो पूजा करने का समय नहीं है, तो बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में क्या पूजा करोगे? जमीन पे बैठना हो तो बैठ ही नहीं सकते हो, क्या पूजा होगी? ध्रुव जी चरित्र को सुना करके मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं, राजन भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। वो 5 साल का बालक जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकता है, भगवान की स्तुति नहीं कर सकता, वंदन नहीं कर सकता, उसकी साधना और तपस्या इतनी सहज और इतनी सरलतम ढंग से पूर्ण हुई कि भगवान ने स्वयं आकर के उसे दर्शन दे दिया। इसलिए हम भक्ति आज से ही प्रारंभ करें, ये सोचने वाले लोग पूजा कभी नहीं कर पाते हैं कि बुढ़ापे में देखेंगे। किसी से पूछो कि क्यों दीक्षा लिए हो कि नहीं, अरे महाराज अभी से दीक्षा क्यों लेना, बुढ़ापे में लेंगे, जब किसी काम के नहीं रहोगे तब भगवान की शरण में जाओगे। ऐसे लोगों को जब गधे देखते हैं ना तो कहते हैं मनुष्य भी हमारी ही तरह है। जब तक गधा मजबूत होता है मालिक उसको बहुत सेवा करता है, खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, क्यों? क्योंकि खूब ईंटें लादता है उसके ऊपर। और जब वो बुढ़ा हो जाता है तो बाहर कर देता है। ऐसे ही मनुष्यों की भी स्थिति है, जब तक शरीर में बल है, जब तक धन है, जब तक पौरुष है, तब तक परिवार बड़ी सेवा करता है, और जब किसी काम के नहीं हुए तो घर के लोग कहते हैं चुपचाप रहा करो, तुम बोलते बहुत हो। तब गधा देखता बड़ा संतुष्ट होता है कि वाह, जैसी स्थिति हमारी है वैसी इनकी भी है, इन्होंने भी अपना सब कुछ संसार के लिए गंवा दिया और संसार वाले इनके नहीं हुए। तो जो समझदार लोग होते हैं ना, वो कोई घर खाली करावे उससे पहले छोड़ देते हैं। इसलिए भजन पूजा साधना इसका कोई उम्र नहीं होता है, और कभी कोई फैक्स नहीं आएगा भगवान की तरफ से कि अब आपका सारा काम पूरा हो गया, अब आप पूजा कर लीजिए। जीवन के इन्हीं व्यवस्थाओं में, विविध आयामों में आपको भगवान के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। बस यह है कि समय आपका किस प्रकार से निकले। ध्रुव जी का जो समय निकला वो ग्लानी में निकला। मैया सुरुचि ने गोद में नहीं चढ़ने दिया और कहा जाके भगवान की तपस्या करके फिर मेरे गोद में जन्म लेना, ये बात छोटे से बच्चे को लग गई। कभी कभी वैराग्य आप लोगों को भी होता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर का होता है। बहू ने अगर चाय नहीं दिया समय से तो बड़ा जोर का वैराग्य जगता होगा, छोड़ो ये सब दुनियादारी, और बाहर निकल कर जाते होगे और 1-2 घंटे में लौट आते होगे। वो वैराग्य दृढ़ नहीं होता है। कभी कभी तो कुछ लोग अयोध्या तक पहुंच जाते हैं, महाराज नहीं रहना हमको घर में, जिनके लिए जिंदगी गंवा दी वो लोग प्रेम से बात नहीं करते हैं, और जहां 5 दिन बीता
महाराज जी छोटे वाले मुन्ने की बड़ी याद आ रही है। आदेश हो तो चले जाए। हाँ हाँ बिल्कुल चले जाओ। और फिर वो लौट के कभी नहीं आते हैं। ग्लानी तो होती है, कष्ट तो होता है, लेकिन वो दृढ़ नहीं होता है। और मैंने कल निवेदन किया था कि किसी वस्तु का त्याग हम क्रोध में नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु का त्याग हम प्रेम से करें। घर में भी रहकर हम घर का त्याग कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने मन को संसार से हटाकर भगवान की तरफ कर दें। और एक सूत्र और याद रखना, यदि घर में सम्मान पाना चाहते हो तो एक उम्र के बाद बोलना कम कर दो। परिवार वाले पूछें तब बोलो, आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। और बिना मतलब बोलते रहोगे ना तो जिस बच्चे को तुम बोलना सिखाए हो वही बच्चा कहेगा तुम बोलती बहुत हो, थोड़ा शांत रहा करो। ध्रुव की तरह हमारा वैराग्य जिस दिन अडिग हो जाएगा प्यारे, उस दिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है, भगवान को स्वतः प्रकट होना पड़ेगा। और ध्रुव जी महाराज ने उस ग्लानी से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ध्रुव स ग्लानी जप्यउ हरि नाउ, ध्रुव स ग्लानी जप्यउ हरि नाउ, ध्रुव स ग्लानी जप्यउ हरि नाउ, ध्रुव स कोई समय नहीं है और भक्ति का कोई स्थान नहीं है। जहां हो, जिस अवस्था में हो, जिस परिवेश में हो, भक्ति प्रारंभ कर दो। और हमारे यहां भक्ति की छूट कितनी है देखो, आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में ही भगवान के हो सकते हो।